ग्रीटिंग्स एवरीवन, माइसेल्फ केतन आनंद, आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो चल रहे थे हमारे सेमेस्टर्स और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे सेमेस्टर्स के लिए। ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग एक्साइटेड थे हमारे बनारस के ट्रिप के लिए। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। वी विल बी गोइंग टू शो यू अबाउट अवर बनारस ट्रिप, हाउ इट वेंट, हाउ वी एंजॉयड एंड ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जिस दिन हमारे सेमेस्टर का लास्ट पेपर था, ठीक उसी दिन हम अपने बैग पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं पटना जंक्शन। क्यों? यू हैव गेस्ट इट राइट। गौरव, भाऊ, चलो चलो। ये थे मेरे चार दोस्त जिनके साथ मैं बनारस के ट्रिप पे जाने वाला था। तो कुछ ऐसे 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच पड़ते हैं काशी। अब वैसे तो हमारी ट्रेन वाराणसी तक की थी, बट असी में वो काफ़ी देर तक खड़ी रह गई, तो हमने डिसाइड किया कि काशी स्टेशन पर ही उतर कर क्यों ना ऑटो से ही चल पड़े अपने होटल की तरफ। हम होटल गए, वहां पर अपने सामान को रखा और काफ़ी तेज़ भूख लगने के बाद हम पहुँच पड़ते हैं एक रेस्टोरेंट। पेट पूजा करने के बाद हम वापस चल पड़ते हैं अपने होटल की ओर और वहां जाकर के करते हैं आराम, क्योंकि आज हम कुछ ज़्यादा ही थक चुके थे। एक अच्छी नींद पूरी करने के बाद हम सुबह उठते हैं, नहा धो करके हम चल पड़ते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ भाई, ऑटो से बनाया और क्या। इतनी लंबी भीड़ देख करके हमारा तो पसीना उतर रहा था कि आज दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। कुछ 3-4 किलोमीटर की तो रही होगी भीड़, बट हमने प्रसाद लिया, हमने फल फूल लिए जो भगवान को चढ़ाने होते हैं और पहुंच गए मंदिर। और ये हम दर्शन करके वापस आ भी गए, क्योंकि हमारा फ़ोन और वॉलेट और जितने भी लेदर के सामान होते हैं सारे अंदर रखवा दिए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर ये सब अलाउड नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इतना जल्दी इतना बड़ा लाइन कैसे कवर किया। तो बात कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर कुछ बैठे रहते हैं जो कि VIP एंट्री करा देते हैं, 400-500 रुपये कुछ लेते हैं पर हेड, बट हाँ आधे घंटे में आपको दर्शन करा देंगे, ना सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के बल्कि आसपास के सारे मंदिर के। तो कुछ इस तरीके से हमने लगभग 1.5 घंटे में अपना दर्शन कंप्लीट किया और कुछ मार्केटिंग करके वापस चल पड़े राम की कचौड़ी खाने अपने एक दोस्त के कहने पे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दोस्त ने हमें बोला कि राम की कचौड़ी बहुत फेमस है और 4-5 किलोमीटर दूर चला के ले गया, बट जब हम वहाँ पहुँचे कचौड़ी के शॉप का ओपनिंग टाइम तो दोपहर के 3 बजे है और बज रहे थे अभी बस 2। भूख के मारे हम लोग किसी भी एक कचौड़ी के दुकान पर बैठ गए, बट हाँ उस दुकान वाले ने भी हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, कचौड़ी वाकई में बहुत अच्छी थी। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी जाओ तो दोपहर के 3 बजे के बाद जाके राम की कचौड़ी ज़रूर खाना, क्योंकि वाकई वाराणसी में वो फेमस है।
थोड़ी खाकर हम चल पड़े काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर की ये विशेषता है कि वहाँ पर शराब भी चढ़ाई जाती है, जिसे श्रद्धा शराब में ना हो वो तेल भी चढ़ा सकता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, काल भैरव मंदिर के काफ़ी पहले ही आपको बहुत सारे फूल के प्रसाद के दुकान मिल जाएंगे, जहाँ पर आके आप अपने जूते चप्पल भी रख सकते हो। हमने भी वही किया, एक अच्छे से दुकान को देख करके वहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार दिए, सारे सामान रख दिए, वो लोग थोड़े भरोसेमंद भी होते हैं, और वहाँ से प्रसाद लेकर के चल पड़े काल भैरव मंदिर। अब काल भैरव मंदिर जाने वाली लाइन भी तो थी बहुत बड़ी, बट किसी एक भले इंसान ने हमें बीच में आने दिया और हमारे लिए लाइन हो गई बिल्कुल आधे घंटे की। बस से मंदिर परिसर के अंदर की फोटो खींचना या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होती है, तो हमने भी दर्शन किए और चल पड़े वापस से उसी दुकान पर जहाँ पर कि हमने अपने जूते और चप्पलों को रखा था। अपने सामान वापस लिए, उन्हें पैसे दिए और हमने निर्णय लिया कि वापस से हम रूम पे ही चलेंगे, कुछ देर आराम करेंगे, क्योंकि वाकई हम लोग थक तो बहुत ज़्यादा ही चुके थे। तो हम लोग वापस चल पड़ते हैं अपने रूम की तरफ। कुछ देर आराम करने के बाद, अपना वेशभूषा ठीक करने के बाद, हम चल पड़ते हैं पहलवान की लस्सी पीने, जो कि वाराणसी में बहुत फेमस है। वाकई में लस्सी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी था। उसके बाद हम चल पड़ते हैं रूम, वहाँ नहा धो करके करते हैं थोड़ा आराम, और आप देख ही सकते हो रात में कुछ ज़्यादा ही अच्छा मौसम हो रहा था, बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और एकदम सुहाना मौसम हो रहा था। इसी बीच हम चल पड़ते हैं वाराणसी में गंगा आरती देखने। वैसे तो हमारा प्लान था गंगा आरती देख करके रूम जा करके आराम करने का, बट रास्ते में हमें दिख गया एक मेला और हमारे अंदर का बच्चा जग गया। अब हमने डिसाइड किया कि कुछ देर मेले में भी बिता लिया जाए, और वहाँ तो वाकई कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। भैया फिर से करिए, भैया एक बार, एक बार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना परेशान क्यों है। इसके पीछे का रीजन भी ये जनाब कुछ देर में अपने मुंह से ही बता देंगे। एक्चुअली इन्हें जो है बहुत ज्यादा ही डर लग गया था। उसके बाद इन्होंने जो स्टाफ हैं उनको कुछ ज्यादा ही अच्छा सा बहाना मार दिया इन्हें नीचे उतारने के लिए। तेरे लिए ये है। आप सुनिए इन्होंने क्या बहाना बनाया था। भैया भैया सुनिए, कह रहे भैया मुंह कहाँ छुपा रहे कुछ इस तरह। एक अच्छी शाम स्पेंड करने के बाद हम पहुंच पड़े कैप्सिकम फूड कोर्ट, जो कि बनारस में अगेन बहुत फेमस है। अब मैं अंदर की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि भीड़ बहुत थी,
दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट।